मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां से आगे एक सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है जम्मू के लिए? बैठे सकते मेरे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम छोटी सी बच्ची को देना चाहते हैं तो ये सारी आवाजों को चुप हो जाना चाहिए फॉर सम टाइम, लेट जस्टिस प्रिवेल। इस वक्त इतने पॉइंट ऑफ व्यूज है और इतना शोर है, वो आप मत आइए बीच में, लेट लॉ टेक इट्स कोर्स, हैव फेथ इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हैव फेथ इन अवर एजेंसीज। अगर हमारे को अपनी एजेंसी से ही भरोसा उठ गया है, अगर हमें अपनी पुलिस से ही भरोसा नहीं है तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? फिर तो टोटल केओस है, टोटल एनार्की है। सो एक मिनट के लिए सब पीछे हट जाए, इसे कम्युनल रंग ना दें, इसे रिलीजन का मुद्दा ना बनाए, इसे कम्युनिटीज का मुद्दा ना बनाए, इसे सिर्फ जो ये क्राइम है इसे वो क्राइम रहने दें। लेट द एजेंसीज इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली, जितनी इन्वेस्टिगेशन अभी हुई है, अब वो कोर्ट में गया है, उस पे आगे लॉ को एक्शन तो लेने दीजिए, सामने आएगा क्या वो सही था क्या वो गलत था। एक जस्टिस की तो कम से कम अब क्राइम एक हो चुका है, डोंट किल द जस्टिस नाउ, वी आर ट्राइंग टू, वी आर जिस तरह से हम बीच में ऑब्स्टेकल्स खड़े कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू किल द जस्टिस। एंड द पॉइंट इज, इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि जो मेजोरिटी है, जैसे आप कह रहे हैं यस वी आर ऑल प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ जम्मू, जम्मू सेकुलर है, जम्मू के लोग नहीं चाहते हैं कि उस लड़की के साथ जस्टिस ना हो, बट एक फ्रिंज है और उस फ्रिंज को आई एम वेरी सॉरी बट मीडिया ने उसको माइक पकड़ाया है, मीडिया ने उसको एम्पलीफाई किया है, जो वो सोच रहे हैं या जो उनकी सोच है उसको मीडिया, सोशल मीडिया उसको एम्पलीफाई करके सुना रहा है हर तरफ, तो वही सामने आ रहा है कि जस्टिस अब ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, बिकॉज इट सेल्स, इट सेल्स, यू नो फिल्म स्टार डाइड और उसका क्या, इट वाज एन एक्सीडेंटल डेथ और उसका क्या क्या बना दी, सो इट बिकॉज इट वाज सेलिंग, सो दिस, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, इसको अब दे आर जस्ट ट्राइंग कि वो न्यूज आर्स बढ़ते जाए, इसकी माइलेज बढ़ती जाए, उसको जितना ड्राई किया जा सके ड्राई किया जाए, उसमें सच अगर मरता है तो सच मर जाए, जस्टिस अगर मरता है तो जस्टिस मर जाए, बट न्यूज सेल हो। सो लेट्स बी सेंसिटिव टू दिस, अगर हम इतने हम नहीं है कि सोशल वो नहीं है कि हम आवाज उठाना, खड़े हो जाना तो शायद हजारों में एक कोई कर पाता है, बट एटलीस्ट सेंसिटिव तो हम हो सकते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेट्स नॉट किल द जस्टिस। व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वी आर किलिंग द जस्टिस सो दैट जस्ट सो दैट आवर न्यूज सेल्स, सो जस्ट सो दैट वी हैव यू नो सर्टेन थिंग्स टू से इन द सोशल मीडिया। हम हर एक ने अपनी वो बीपी चेंज कर लेंगे, वो चेंज कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अपना मानसिकता नहीं बदलेंगे। आई टेल यू, वुमेन्स डे पे आई वाज इनवाइटेड समवेयर एंड दे दे वांटेड मी टू स्पीक फॉर सम टाइम, एंड आई टोल्ड देम कि मुझे सुबह से कम 500 मैसेज आ गया वुमेन्स डे का कि हैप्पी वुमेन्स डे, बट वही लोग जो आज मुझे वुमेन्स डे का मैसेज कर रहे हैं शाम तक वही वुमेन पे डेरोगेटरी मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू यू नो स्टैंड, और आप स्टैंड ले लें, स्टैंड लेने के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, आप सिर्फ वो मैसेज फॉरवर्ड करने से अपने आप को रोक लें वही बहुत बड़ी चीज है। आप घर जाए अपनी माँ को आइडेंटिफाई करें कि हाँ एवरी मदर हैज सैक्रिफाइस्ड, चाहे वो छोटे घर की माँ है चाहे वो बड़े घर की माँ है, सैक्रिफाइस हर माँ ने अपने बच्चे के लिए किया होता है, चाहे वो नींद सैक्रिफाइस की होती है, चाहे वो करियर सैक्रिफाइस किया होता है, चाहे कुछ भी किया, सो जस्ट यू नो एक्नॉलेज व्हाट योर मदर हैज डन फॉर यू, योर बेसिक बेसिक एलिमेंट्स है, ये छोटे स्टेप्स है, इतनी बड़ा हम अगर सोचे हम सोसाइटी को बदल लेंगे या वो, ये बहुत, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक स्मॉल स्टेप्स, एक एक स्टेप लेके फिर हाँ कहीं माइंड सेट चेंज होगा। ये तो इंटरनेशनली कहते हैं कि 200 साल लगेंगे पैरिटी आने में, जेंडर इक्वालिटी आने में, इट इज गोइंग टू टेक अस 200 मोर ईयर्स, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज 200 ईयर्स। सो हम आज बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, वो तो 200 साल तक हमें कहीं दिखाई नहीं देती है इक्वालिटी, बट द पॉइंट इज यस टेक मिनी स्टेप्स, डू नॉट एकदम से दुनिया बदलने के लिए मत निकल जाओ, बट हाँ एक छोटे छोटे स्टेप्स लो, आइडेंटिफाई करो इट इज अ वी आर इक्वल, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है हम लोग, कोई हम माइनॉरिटी नहीं है, वुमेन आर यू नो 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सो एटलीस्ट गिव देम दैट काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, दैट काइंड ऑफ अ, एंड इट्स योर मदर, एवरीबडी इज मदर, आपकी हर एक की माँ तो औरत ही है ना, तो वो उतना रिस्पेक्ट देने से शुरू करो। और जहां तक इस केस का सवाल है, ये तो आई डोंट थिंक ये केस एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो जो मॉन्स्टर जिन्होंने उसके साथ किया वो तो अलग बात है, बट दिस केस इन इटसेल्फ इज अ मॉन्स्टर, सो प्लीज फॉर सम टाइम एवरीबॉडी हट जाओ इससे, एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेट द एक्चुअल कल्प्रिट्स बी पनिश्ड एंड पनिश्ड सो सीवियरली सो दैट अगली बार एक डिटरेंट बने, लोग डरे, दहशत में आए इस तरह की हरकत करते हुए।